हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। सो आप कैसे हो? आई होप कि सब ठीक हो, सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, स्पेशली जिनका मेंस है। लाइक अब 5 डेज बचे मैक्स, 5 टू, और जिनकी 18 को है तो उनके लिए 2 एक्स्ट्रा कर लीजिए डेज एंड। तो एनी वेज, मेरा अगर मैं बताऊँ, मेरा एग्ज़ाम है 15th को, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। यू नो आई एम काइंड ऑफ नर्वस, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 18 मिलेगा एज पर यू नो जितने लाइक मेरा प्रीवी जो मतलब सीजीएल जो प्रीलिम्स था, वो भी मेरा फर्स्ट डे नहीं था, वो भी एकदम लास्ट में मिला था, लाइक 9th ऑफ मार्च सेकेंड शिफ्ट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एज एन मुझे 18 को मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आई एम काइंड ऑफ वरिड कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन यू नो एकदम जीरो है। मतलब अगर मैं एक दो दिन बाद होता तो थोड़ा बहुत मुझे एनालिसिस से पता चल जाता कि लेवल क्या है, बट उससे भी फ़ायदा क्या होता। बट इन द एंड मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है, जो करना है मुझे ही करना है। सो लेट इट बी। एंड मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है बिकॉज मेरी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं रहती है, बट स्टिल मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मेरी मतलब स्टडीज़ पे ज़्यादा यू नो सफ़र ना करे, बट ठीक है। तो एनी वेज, क्योंकि अब अपडेट दे देता हूँ मैं मेरा क्या क्या चल रहा है, बिकॉज लास्ट 5 डेज है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ। तो एज फॉर मॉक्स, बहुत बोल बोलेंगे कि यू नो मॉक्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो भाई लोग मैं मॉक्स नहीं देता हूँ इतने। मतलब इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने इंग्लिश का मुझे नहीं पता, लास्ट शायद 10 या 15 दिन पहले दिया होगा, बिकॉज इंग्लिश मैं इतना देता नहीं, बिकॉज टाइम मैनेज करना होता मॉक्स में, वो मैं इजिली मैनेज कर लेता हूँ इंग्लिश में। एंड मैं क्या, हर कोई मैनेज कर लेता हूँ इंग्लिश, इतना कोई यू नो हर्डल नहीं है लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है। बट ठीक है, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ इंग्लिश को लेके। हाँ, जब कभी कभी लगता है तो मैं उसकी यू नो वैसे, जैसे ये जो मेरे पास हार्ड बुक्स है, हार्ड कॉपी बुक्स है, उनको मैं लगा लेता ना, उनके सेट्स, प्रीवियस ईयर जो सेट्स होते हैं वो लगा लेता एक तो कभी कभी, पर ना मैं मेनली मैथ्स के ही मॉक्स लगाता हूँ। एंड उसका रीज़न ये है बिकॉज मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ कभी रही नहीं है, एंड मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा वरीड भी रहता हूँ कि पता नहीं क्या है क्या है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो मैथ्स मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो हाँ, एंड मैंने मॉक कल दिया था लास्ट, जिसमें मैंने 2018 के जो मतलब मैं कुछ 1 वीक से ऐसा कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक दे रहा हूँ, मैं कुछ एडिशनल मॉक नहीं दे रहा हूँ, लाइक वेबसाइट पर कोई भी रैंडम मॉक्स, तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक लगा रहा हूँ। उसमें ठीक ठाक ही स्कोर आ जाता है, मतलब काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, ये देखिए लाइक 180, ये मेरा मैक्स स्कोर गया है, लाइक ये एवरेज, ये भी एवरेज काइंड ऑफ यू नो। तो यस, एंड 2016 का भी है, ये भी इसमें भी काइंड ऑफ एवरेज एवरेज एंड एवरेज यू नो। बट ठीक है, अब मैं मॉक नहीं देने वाला हूँ, ऐसा मेरा कल लास्ट था, एज ए सेट कल लास्ट था। अब मैं सिर्फ रिविजन पर फोकस कर रहा हूँ, एंड इंग्लिश का मैं एक वजह से इसलिए भी नहीं दे पाता हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं दूँ, बट अब ऐसा हो गया कि बिकॉज यू नो थोड़ी नेबरहुड में शादियाँ एंड कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से मैंने ऐसा हुआ था कि फ्रस्ट्रेट होकर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, लाइक यहीं पे ही है नेबरहुड में ही, थोड़ा पास में ही है, तो वहाँ पर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। तो वहाँ पर मैं अगर लैपी वैपी लेके जाऊँ तो काफ़ी सारा यू नो अड़ंगा हो जाता है, एक्चुअली अगर बोलूँ अपनी देसी भाषा में तो अड़ंगा कौन लेके जाए। तो वही अपनी मेन बुक्स लेके जाता हूँ, इन शॉर्ट बोलूँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ अपने यू नो प्रीवियस ईयर पेपर लेके चला जाता हूँ, जो भी मुझे सेट्स लगाने होंगे, प्रैक्टिस सेट्स एक्चुअली, वो लेके चला जाता हूँ, या फिर यू नो जो मेरी रिवीजन की बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो लेके जाता हूँ, जो मेन मेन है, जो मुझे फोकस करना होता है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि यार ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं भी थोड़ी बहुत लेने लग गया हूँ तो उसका फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है मुझे, बल्कि जो प्रिपरेशन है वही सफ़र करने वाली है। बट हाँ ठीक है, एंड लास्ट टाइम पे तो मुझे लगता है शायद सभी के साथ हो रहा होगा कि मतलब यू नो लगता है कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब कुछ तो कमी है, मैं नहीं किया है। अगर मैं सच बताऊँ तो ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं ये जितनी मैंने प्रिपेयर किया वो उसमें वो यू नो गुड इनफ है कि नहीं है, या फिर सिर्फ वेस्ट जाने वाला, पता नहीं। आई एम नॉट गोना जज माई सेल्फ बाय द यू नो रिजल्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड इन एग्जाम, आई एम गोना अटेम्प्ट इन एग्जाम, बट ठीक है। एंड या मैनी पीपल बी लाइक कि भाई आप एग्ज़ाम इतना ज़्यादा करीब आ चुका है, मतलब अब तो कुछ टाइम ही नहीं है, लाइक पहले आप जितना पढ़ते थे स्टडी आवर्स उससे ज़्यादा आप मतलब फोकस कर रहे हो, या फिर यू नो डाल रहे हो स्टडीज़ में अपने। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना मैं पहले पढ़ता था एवरेज लाइक 8 to 10 आवर्स, मैं सिर्फ उसी पे स्टिक किया हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा मतलब पुश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो डीप डाउन कि अगर मैं ज़्यादा पुश करता हूँ तो मेरी बॉडी पैनिक करेगी, माइंड पैनिक करेगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ लास्ट कुछ डेज में। तो इस वजह से बस वही है जो मैं अपना मेन, जो पहले से मैं अपना मतलब यू नो कंटिन्यू करता हूँ थ्रू आउट द जर्नी,
कि 8 to 10 आवर्स ऑन एवरेज पढ़ना है, तो वही चीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब कभी +2 या फिर +1 या -1 हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं किस दिन 11-12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो हर रोज़ ही इतना पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं इतना पढ़ लेता हूँ, एक 10 आवर्स या 11 आवर्स पर डे पढ़ लेता हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सिर्फ 5 या 6 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। एंड दैट इज़ वेरी रेयर। ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो मेरा ग्राफ कभी ऐसे टॉप एंड डाउन, टॉप एंड डाउन, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ लाइक कि हाँ, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि यू नो हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर माइंड फोकस नहीं होता है, या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड लाइफ के और भी सारे रीजंस होते हैं। तो इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आई नो इज़ कि जितना आप इनपुट देते आ रहे हो उतना ही दो, एंड कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश है कि आपको यू नो कवर नहीं होगा रिविजन में, कि इतना ज़्यादा रिवाइज करना है एंड नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पुश दे सकते हो, वो भी कभी कभी। ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पर आप पैनिक ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मैं तो नहीं कर रहा, मेरा यही है कि जितना मैं कर रहा था लाइक 8 to 10 आवर्स, उतना ही मैं पढ़ पा रहा हूँ, एंड इंक्लूडिंग मॉक्स। मॉक्स एज इन कि मैं मैथ का ही देता हूँ, इंग्लिश का तो मैं देता भी नहीं हूँ, तो इंक्लूडिंग मॉक ओनली, लाइक मैथ्स का 2 आवर्स के बाद एनालिसिस, एंड देन मेरा रिविजन पे जाता सारा दिन। एंड मोर ओवर लाइब्रेरी में तो मैं मॉक दे भी नहीं सकता, और मोबाइल पर मॉक मैं देता भी नहीं हूँ। सो दैट इज़ मैं सिर्फ रिवाइज करने में अपना मेन जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो या दैट्स इट। एंड या देर आर पीपल आउट देयर वो वॉन्ट टू सी मी फेल, आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मतलब मुझे एक लड़कियां तो पता नहीं, मतलब मैं ऐसा कुछ यू नो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ ऑन द जेंडर बेसिस ओनली, बट ऐसा होता है। मतलब जितना मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ अपना, उसमें बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव लेके आते हैं, नेगेटिविटी अपने साथ लेके आते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। बट हाँ, ऐसे लोग हैं जो मुझे फेल होते हुए देखना चाहते हैं कि यू नो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है ये बंदा, ओवर कॉन्फिडेंट है ये बंदा। आई डोंट नो, मैंने ऐसा कब किया, मुझे ऐसा याद भी नहीं है कि मैं कब ओवर एक्साइटेड हो गया, कब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कब अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगा किसी भी और बंदे से या किसी और भी एस्पिरेंट से। बट आई डोंट नो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। बट ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ फेल होते हुए देखना चाहते हैं मुझे, एंड उसका रीज़न मुझे नहीं पता है क्यों, बट शायद उनकी हैबिचुअल है ये चीज़ कि दूसरों को गिरते हुए देखना चाहते हैं ऐसे लोग। बट ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ये जो मेरा चैनल है, जो मैं व्लॉग करता हूँ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को, इसका मोटिव ये था कि मैं अपने यू नो अप्स एंड एज वेल एज डाउन्स, स्पेशली डाउन्स, वो चीज़ें शेयर करूँ, सो दैट पता चले कि सिर्फ यू नो अच्छी अच्छी चकाचौंध नहीं है इस प्रिपरेशन टाइम पे लोगों की ज़िंदगी में, डाउन्स भी होते हैं, मेंटल सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, वो भी चीज़ मैं दूंगा आप लोगों को। टेंशन ना लो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, यू नो दूसरों को नीचा गिरा के आप खुश होने की कोशिश करते हो, तो डीप डाउन यू आर ब्रोक मैन, यू आर द वन हु इज़ ब्रोक। तो अपने आप को संभालो, दुनिया तो समझ जाएगी। कि छोड़ो ये सब चीज़ें, मैं बस आपको ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बस इतना ही कहना है कि अब शायद नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम वाले दिन ही डालूंगा, लाइक सुबह सुबह जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे होने वाला हूँ। एंड हाँ, मेरा एग्ज़ाम सेंटर न्यू दिल्ली है, एज इन अभी एडमिट कार्ड अभी प्रॉपर आए नहीं है, स्टेटस आया हुआ है, तो मेरा सेंटर न्यू दिल्ली में ही है। तो आई डोंट नो, अगर कोई होगा तो हम मिलेंगे सेंटर पे, पर ठीक है। अब न्यू दिल्ली में कहाँ पे देने वाले हैं ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ठीक है। एंड मुझे आइडिया देना कि यार ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं ना, जैसे कि ने CHSL दिया हो तो यू नो कि कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट लेके जानी है, फिर कुछ और प्रिकॉशन जो भी है मुझे बताना यार प्लीज़, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि क्या चल क्या रहा है वहाँ पे, लेके क्या जाना है, वो क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, कि यू नो आपको ये चीज़ें करनी है, लाइक वो वाटर बॉटल एंड पेन, ये सब तो मुझे पता है, मतलब जो बेसिक चीज़ें थी जितना मुझे याद है, एक दो वीडियो मैंने देखी थी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो मुझे पता है। मतलब ये कोरोना टेस्ट किट को, मतलब जो रिपोर्ट, सॉरी किट बोल रहा हूँ, रिपोर्ट को लेके मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि वो चीज़ें मतलब चाहिए या फिर नहीं, आई डोंट नो। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड फिर से ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, डू योर बेस्ट, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, बस मिलते हैं, बस लगे रहो जो है, बस अपने आप को यू नो फिनिश अप, टच अप देने का टाइम है ये, वो चीज़ करो, रिवाइज करो जितना हो सके। बट ठीक है, वील सी यू ऑन दी जजमेंट डे ओनली। तो ठीक है गाइज, अपना ख्याल रखना, तबीयत ठीक रखना, मेरी तरह लापरवाह बिल्कुल मत हो जाना, मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई थी इस वजह से, बट ठीक है। आप लोग ख्याल रखो अपना, प्रिपेयर करते रहो, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम वाले दिन। तो टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट टू यू।